भाई साहब मेरे को खुद यकीन नहीं हो रहा था, आज के गेम प्ले के अंदर सात एक्सूट आए हुए हैं। फियोरे एक्सूट, इग्नेस एक्सूट, वो भी तीन, जोकर एक्सूट, ब्लड रेवन एक्सूट, वो भी दो। ऊपर से मैं सोलो वर्सेस स्क्वाड खेल रहा था और मुझे लग रहा था कि भाई यार आज सपोर्ट के लिए भी कोई नहीं है। अगर मैं इन एक्सूट से फाइट नहीं ले पाया और भाई इन्होंने मार दिया तो गेम प्ले इतना तगड़ा बेकार हो जाएगा। लेकिन आज का गेम प्ले माइंड ब्लोइंग होने वाला है भाई, देख के कच्चे फट जाएंगे। तो सबसे पहले जिसने लाइक नहीं किया लाइक कर दो, जो लोग नया चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन कर लो ऑल पे सेट। और क्या लगता है आपको, क्या मैं इन एक्सूट को मार पाऊंगा? भाई यहां तो बोनी ही, फियोरे एक्सूट से बोनी ही हुई भाई, ओपनिंग ही हुई, क्रेट ओपनिंग ही फियोरे एक्सूट की पेटी बना की हुई। अब यहां पे मैं नीचे नौक बंदे तीन, वो भी फ्री के किल्स मिले, उनको फिनिश कर रहा था, तभी एक बंदे ने मुझे यहां पे भाई साहब 5 HP कर दिया। अब मैं पीछे साइड आया, उसने मेरे पे रस किया, मैं ग्रेनेड करता हूं और ये देखो भाई बस किल वैसेस देखते जाना। यहाँ पे आया इग्नेस एक्सूट। अब इग्नेस एक्सूट तो मेरे को लगा सिर्फ एक आया है, लेकिन एंड में हमें पता चलता है कि एक नहीं तीन एक्सूट आए हुए इग्नेस। अब यहाँ पे पीछे साइड भाई फर्स्ट एड पड़ी थी, मैंने रिस्क लिया, पीछे साइड गया, फर्स्ट एड उठाया। यहाँ पे सबसे ज्यादा सेफ जगह थी एक यहीं पे, मैं यहाँ पे बैठा फर्स्ट एड लगाने के लिए। ऊपर से बंदे फुट्स आ रहे थे, अब उसी टाइम पे लेफ्ट साइड से एक बंदे फुट्स आया, मैं बोला गया भाई काम से, वो भाई आ रहा था रस करने के लिए मेरे पे। मैंने फर्स्ट एड लगाई, सामने एम किया, इसकी भैंस की टांग। अब ये मेरे को कैंपर बोल रहा होगा, लेकिन भाई कुछ नहीं कर सकते, यहाँ पे मजबूरी में पेटी बनानी पड़ी। अब उसके बाद मैं यहाँ पे थोड़ी बहुत लूट करता हूँ और इस बंदे के कच्चे बच्चे फाड़ लेता हूँ और निकल पड़ता हूँ भाई साहब बाकी बंदों के कच्चे फाड़ने के लिए। तो गाइस बचे हुए बंदों के कच्चे फाड़ने से पहले मैं आप लोग से पूछना चाहूंगा कि क्या आप BGMI के टूर्नामेंट्स खेल के रोज 5 लाख रुपए जीतना चाहते हो? तो ये पार्ट एंड तक देखना। ए भाई बताना बताना भाई 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 मेरा भाई। तो इस ऐप का नाम है सो स्ट्रॉन्ग, जो कि 100% ट्रस्टेड है। सो स्ट्रॉन्ग के 35 लाख से भी ज्यादा के डाउनलोड्स हैं और 10 करोड़ की रीडिंग्स ऑलरेडी बांट भी चुके हैं। इस ऐप की सबसे बढ़िया बात मुझे ये लगी कि इसके अंदर काफी टाइप्स के टूर्नामेंट मिलते हैं, स्पेशली इंस्टेंट टूर्नामेंट जिनमें 0 वेटिंग है। और इस ऐप में कस्टम रूम खेलने की भी जरूरत नहीं, बस आप अपना नॉर्मल क्लासिक रैंक्ड मैच खेलो जैसे कि आप रोज खेलते हो। सो स्ट्रॉन्ग खुद ही आपके किल्स डिटेक्ट करके आपको पैसे दे देगा, तो यहां से रोज BGMI खेल के पैसे जीतना बिल्कुल गारंटेड है। और तो और सो स्ट्रॉन्ग का एंटी चीट इंडस्ट्री में भी बेस्ट है। तो सो स्ट्रॉन्ग का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में मिल जाएगा, वहां से जाके आप डाउनलोड करो और आपको 600 का साइन अप बोनस इमीडिएटली मिल जाएगा। आएगा मजा खेल का, बहुत मजा आएगा, जिसे आप फ्री में टूर्नामेंट्स खेल सकते हो। तो जल्दी से जाके साइन अप करो। और मजे की बात यह है कि आप जो भी पैसे जीतते हो वो गूगल पे, पेटीएम, फोन पे, UPI के थ्रू इंस्टेंटली विड्रॉ कर सकते हो। मोगेम्बो खुश हुआ, तो देर किस बात की, डाउनलोड करो फटाफट से और जीतो 5 लाख रुपीज डेली। लिंक डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में मिल जाएगा। अब मैं वहां से निकल के जल्दी से पीछे की साइड आता हूं, यहां पे थोड़ी बहुत लूट वगैरह करता हूं। और ऊपर एकदम छत में भाई बंदे बैठ गए और ऊपर से भाई यहां नीचे वाले बंदों की एक अच्छे फाड़ रहे। ऊपर वाले बंदे को मैंने डैमेज किया, मैंने सोचा ये ऊपर गया होगा तो एक काम करता हूं जेटपैक लगा के जाता हूं, एक ही तो बंदा है हील कर रहा होगा। लेकिन भैया यहां देखो, मैं बोला भाई गया काम से, मारा 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 भाई, बाल बाल बचा एक बंदे की तो रीलोड पे थी का ना, और दूसरा वाला जब तक आया मारने के लिए उसको एंगल बनाया तब तक मैं वहां से निकल के पीछे साइड आया। अब यहाँ पे मैं आया सीधे, यहाँ पे मैंने भाई इसका वायर का यूज किया, ऊपर की तरफ गया, ये बंदे किसी को तो मारने में लगे हुए थे। अब भाई मेरे को समझ में नहीं आ रहा था इन बंदों को मारू तो मारू कैसे, भाई ये ऊपर चढ़े हुए थे भाई। यहाँ पे राइट साइड से हेलीकॉप्टर लेके निकल गए कुछ बंदे, सामने एक साइड एक बंदा स्पॉट हुआ, अब मैं उस वाले नीचे वाले बंदे को तो नहीं मार पाता, ऊपर वाले बंदे पे ग्रेनेड करता हूं, उसने भी भाई मेरे पे ग्रेनेड किया।
मैं यहाँ पे थोड़े एचपी में बचा, मैं बोला यार इनकी भैंस की तगड़ी तोड़ू, ये बंदे भाई नीचे तो ना आएंगे। अब जैसे मैं जंप करके अंदर आया तो ऊपर की साइड मुझे इग्निस एक्स सूट की झलक दिखी, तो मैं पीछे की साइड घूम के आया कि इधर साइड से शायद एंगल बने। जेट पैक एक बार फिर से मैंने यूज किया यहाँ पे और एक इग्निस एक्स सूट तो भाई किल मैसेज ही नहीं रुक रहा था उसका। अब यहाँ पे जैसे मैं आप पीछे से भाई स्ट्रॉम वाली M416 इस बंदे के पास, इसने मेरी यहाँ पे एचपी देख सकते हो 30 कर दी। मैं ऊपर से नीचे साइड आया यहाँ पे हील किया, तभी इग्निस एक्सूट वाले बंदे ने ऊपर से कूद के भाई मेरे पे कर दिया रस। मैं यहाँ कोने पे आके हील कर, और ये लो सेल्फ रिवाइव किट का यूज कर। सेल्फ रिवाइव किट जब भी कोई भाई यूज करता है एनिमी नॉक होने पे तो आवाज आती है फर्स्ट एड लगाने वाली। अब यहाँ पे फिर से कोई रिकॉल होके आया और ऊपर चढ़ गया, उसी का टीममेट नीचे कूद के आया। ये M416 वाला बंदा ही है जिसके पास स्टॉर्म M416 है। तो यहाँ पे ये बंदा मेरे को अपने M416 से बिजली के झटके दे रहा था और मैंने यहाँ पे इसको मौली से जला के गर्मी में खत्म कर दिया। फिर से ऊपर कोई रिकॉल होके उतरा। मैं यहाँ पे लूट वगैरह कर ही रहा था, स्कोप वगैरह सेट कर रहा था, तभी मुझे अचानक से पैराशूट का साउंड आया। मैं समझ गया कि नीचे कूदा वो। इसकी पेटी बनाई, एक और बंदा आया। नीचे से एक और बंदा। अब वो बंदा नीचे वाला ऊपर पहुंच गया, सामने की साइड से मुझे उसके फुट्स आए, तो मैंने यहाँ पे उस पर ग्रेनेड कर दिया कि भाई वो थोड़ा सा डर के पीछे चला जाए, मुझे हील करना है। और ग्रेनेड करने के बाद मैंने जल्दी से अपनी पोजीशन चेंज कर दी। अब यहां जैसे मैं हील कर रहा था, गेस व्हाट, इग्निस एक्सूट इज बैक अगेन। भाई साहब यहाँ पे इग्निस एक्सूट की हमने दो बार पेटी बना दी, और फियोरे एक्सूट जो था वो तो भाई एक बार उसको शॉटगन मारा क्या कि उसने मैच ही से एग्जिट मार दिया। लग रहा है अभी तक ब्लड रेवन और जोकर एक्सूट का कोई अता पता नहीं था, मुझे बस ये लग रहा था कि एक बार उनसे भी फाइट हो जाए तो भैया मजा ही आ जाए। अब यहाँ पे मेरे सर के ऊपर दो बंदे आके सिप के ऊपर बैठ गए और वो नीचे आने का नाम ही नहीं ले रहे। आई थिंक वो इन्हीं के टीम मेट थे जिनके मैंने अभी पेटी बनाई जिनकी। तो यहाँ पे मैं नीचे साइड आता हूँ, थोड़ी बहुत लूट वगैरह करता हूँ, इनको गुमराह करने का ट्राई करता हूँ भाई, लेफ्ट राइट करके। लेकिन भाई ये बंदे मैं जिधर साइड जा रहा था उधर ही चले जा रहे थे और ग्रेनेड वगैरह भी फेंकने का ट्राई कर रहे थे। तो मैंने फाइनली डिसाइड किया कि जेट पैक लगा के मैं पूरा एक रोटेशन लेके यहाँ से इनको लगेगा इसे कि मैं चला गया हूँ और फिर उसके बाद मैं वापस आऊँगा। तो यहाँ मैं जेट पैक लगा के मैं निकला, ये ऊपर आया मुझे मारने के लिए, लेकिन मैंने यहाँ से रोटेशन दी पूरी। रोटेशन पूरी हिल के साइड से देते हुए यहाँ पे आ गया। मुझे पता था ये बंदे भाई वो मेगाजॉर्ड बुलाएंगे और इन्होंने बिल्कुल वही किया, मेगाजॉर्ड बुलाया, लूट वगैरह आई, तो ये लूटने के लिए आने वाले थे। मेगाजॉर्ड तो इन्होंने बुला ही लिया होगा अभी तक। मैं तुरंत वापस आया, यहाँ पे वायर का यूज किया और अब मैं ऊपर और ये बंदे आ गए भैया नीचे। वो बंदा आया, हसीम बकरी जाल में। यहाँ पे एक भाई की तो पेटी बना दी मैंने भाई, तब से ये छत में आके बैठे हुए थे, नीचे नहीं आ रहे थे, खुद तो आ नहीं रहे थे, मुझे भी नहीं आने दे रहे थे। अब नीचे वाले बंदे पे रस किया और यहाँ पे मेरी फूटी किस्मत देखना आप लोग बस। भाई किसने बोला भाई डीबीएस का डैमेज कम हो गया, किसने बोला? एक डीबीएस का शॉट मारा इसने और मैं नॉक हो गया भाई। कम से कम दो गोली लगती और दो गोली में मैं नॉक होता तो समझ में भी आता। फिलहाल के लिए यहाँ पे मैं रिकॉल होके वापस से आता हूँ और ये लो वो देखो वो अभी तक मेरी पेटी लूट रहा है। मैंने बोला तेरी ऐसी की तैसी। ते लूट पेटी, इसको मैंने डैमेज कर दिया।
एंड इसी के साथ ये दोनों का भी हो गया खेल खत्म। टाटा बाय बाय बदलापुर 69 ओपी इन दी चैट कर दो गाइस। अब यहाँ पे मैंने लूट वगैरह करी और उसी टाइम पे यहाँ पे पैरासूट से फिर से कोई आ गया, तो मैंने यहाँ पे निकाला भैया अपना मेगाजॉर्ड और मेगाजॉर्ड को उड़ाया। अब ये बंदा ऊपर छत में आके बैठ गया, तो मेरा जो प्लान था यहाँ पे ये यही था कि डायरेक्ट मैं मेगाजॉर्ड लेके और इसी बंदे के सर के ऊपर उतरूं। अब मैं यहाँ पे मेगाजॉर्ड लेके आया सीधे इस बंदे के सर के ऊपर। भाई डैमेज बहुत ज्यादा कम हो गया है मेगाजॉर्ड का। अब ये बंदा पूरा कंफ्यूज कि मारे तो मारे किधर से। मैं बोला तेरी ऐसी तैसी, इधर आ तू। जेट पैक लगा रहा था ये, जेट पैक लगा के उड़ के जा रहा था। नॉक हुआ ये उड़ाए एंड फिनिश हो गया। अब यहाँ पे मैं लूट वगैरह कर ही रहा था कि दूर से भाई मेरे पे फायर आया और जोन भी चालू हो गया था, और जोन भी छोटा था, मतलब कि लास्ट का थर्ड फोर्थ सर्कल ही था। तो यहाँ पे मैं थोड़ी बहुत लूट वगैरह करके जोन के अंदर आता हूँ, और यहाँ पे जैसे मैं जा रहा था सामने की साइड से कूपार भी निकली। मेन यहाँ पे फाइट सिर्फ शुरू होने वाला है गाइस। यहाँ पे एक मेगाजॉर्ड के अंदर पूरी की पूरी स्क्वाड मेरे पीछे पड़ जाएगी और उसमें रहेंगे दो दो एग्निस एक्सूट। और यहाँ पे क्या लगता है आप लोगों को, क्या मैं बचूंगा, क्या चिकन डिनर होगा या फिर मेरी पेटी बनने वाली है। भाई इस गाड़ी वाले को मैंने पकड़ा लेकिन छूट गई, यहाँ पे इसकी गाड़ी का तेल ही खत्म हो गया, इसकी फूटी किस्मत। मेरे को ऐसा लगा लेकिन पता नहीं इसका यहाँ पे, अब ये पता नहीं क्या कर रहा है, वाह वाह कर रहा है, जैसे इसके ऊपर पैर रख रहा हूँ रियल लाइफ में। भाई इसकी पूरी गाड़ी जमीन में ही गड़ गई भाई। अब मैं इस बंदे को कुचलने में लगा हुआ था, इसने जेट पैक यूज किया, ध्यान मैंने नहीं दिया, तब जैसे फुट साइ मेगा शॉट की मैंने बोला गया काम से, मैं तुरंत निकला यहां से। और गेस व्हाट, यहाँ टावर के ऊपर भी बंदा बैठा हुआ था जो अभी स्पॉट नहीं हुआ लेकिन अभी आगे चल के आपको दिखाई देगा। अब जैसे मैं बच गया पीछे फुट साइड, भाई टावर वाले बंदे ने अभी सामने हिल वाला जो बंदा था उसको नॉक किया। मैं यहाँ पे मौके पे चौका मारने के लिए आया, ग्रेनेड मैंने सोचा इस पेड़ पे मारूंगा टकरा के उधर जाएगा, लेकिन ग्रेनेड टकरा के इधर ही आ गया। अब बस यहां पे देखो नीचे वाले बंदे को कैसे मारता हूं। भैंस की टांग जैसी बचके मैं अंदर आया, मेरा किल मेरे को मिल गया और मैंने जोन देखा, मैं बोला लग गए। और यहाँ पे जैसे फर्स्ट एड लगने वाली थी मेरी फूटी किस्मत, उसी टाइम पे हिल वाले बंदे ने नॉक कर दिया मेरे को। नहीं तो फर्स्ट एड अगर लग जाती तो मैं यहाँ पे जेट पैक लगा के जैसे तैसे करके बच के निकल सकता था। मेरे पास एक ही ऑप्शन था, हील होके सेल्फ रिवाइव करके बैंडेज मारने का, लेकिन भैया मेरे यहाँ पे लग गए एल। यहाँ पे जो जोन के बाहर एक और बंदा था भाई, उसने यहां पे एक बंदे को नॉक किया जो कि इग्निस एक्सूट था। अब मैं इसे स्पेक्टेट करने लगा देखने के लिए इसका टीममेट कहां है। इसका टीममेट भैया पोचिंकी में है। गाड़ी आई, मुझे बस ये देखना था इस इग्निस एक्सूट के साथ जोकर एक्सूट ब्लड रेवन एक्सूट है कि नहीं है, लेकिन जैसे मैं यहां पे आया एक बार फिर से एक और बंदा नॉक, और भैया दो दो इग्निस एक्सूट। भैंस की टांग। तो बस गाइज आज का गेम प्ले इतना ही था। अगर आप लोग को मजा आया हो और आपको अगर सोलो वर्सेस स्क्वाड की गेम प्ले चाहिए तो कमेंट्स में बताना। 29 को आ जाएगा बीजीएमआई में अपडेट, 30 को आ जाएगा न्यू सीजन। तो इस बार हम लोग कॉन्करर भी करने वाले हैं डुओ में, क्योंकि उसके अंदर न्यू फ्रेम आएगी एनिमेटेड वाली, तो वो अपने को चाहिए। तो आप लोग अगर कॉन्करर रैंक पुश करोगे मुझे कमेंट्स बताना, नहीं करोगे तो बताना। मिलते हैं कौन कमाल की गेम प्ले में। थैंक्स फॉर वाचिंग, लव यू ऑल, जय हिंद, वंदे मातरम।